फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जो कोई भी लीडर उसको बाईपास नहीं कर सकता है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आप बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, एक्सट्रीमली पावरफुल और अनशेकेबल लीडर बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट लीडरशिप मंत्र। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन क्लिक कर लीजिए, ताकि बहुत पावरफुल ऐसी चीजें हम सीखते जाए जो हमें लाइफ में, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आगे ले जाए। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अमेरिका ने जब पहली बार स्पेस पे अपने साइंटिस्ट को भेजा तो सबसे ज्यादा एक बात की उनको ट्रेनिंग दी गई। कैन यू गेस व्हाट? ऑफ कोर्स उनको हर प्रकार की टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई, लेकिन सबसे ज्यादा एक ट्रेनिंग दी गई और वो है आर्ट ऑफ नॉट पैनिकिंग। किसी भी हालत में पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं हो जाना है, अस्थिर नहीं हो जाना है, एंग्जाइटी में गिर नहीं जाना है, कहीं पे फंसना नहीं है, माइंड को सेटल रखना है। आर्ट ऑफ नॉट पैनिकिंग। फ्रेंड्स, एक लीडर के लिए बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग आती है मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट, और एक पावरफुल लीडर बनने के लिए इस आर्ट को हमें डेवलप करना पड़ेगा, आर्ट ऑफ नॉट पैनिकिंग। किसी भी हालत में अस्थिर नहीं हो जाना, चिंतित नहीं हो जाना, परेशान नहीं हो जाना, एग्रेशन में नहीं आ जाना, रिएक्ट नहीं करना, बल्कि अपनी स्थिरता को बनाए रखना, पैनिक नहीं होना है। दोस्तों, ये सुनने में बहुत सिंपल लगती है बात। आप सोचोगे यार हमने कई बार सुना है, पर आप ये गौर करो अपने आप में कि आप किस सिचुएशन में पैनिक हो जाते हो, क्योंकि ये जो बात है ना, आर्ट ऑफ नॉट पैनिकिंग, ये एक लीडर की नीड है, सबसे बड़ी उसकी स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ा उसका कैरेक्टरिस्टिक है। इसको थोड़ा अगर डिटेल में समझे तो होता क्या है, कुछ होता है और सडन इम्बैलेंस हो जाते हो इमोशनली। हमारे अंदर एक सर्वाइवल हार्मोन्स है जो किसी भी इमरजेंसी में एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। सपोज एज फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर कोई फिजिकल अटैक करे, कुछ भी पता नहीं है, सडन कोई फिजिकल अटैक होता है तो वो सर्वाइवल हार्मोन्स किसी भी हालत में वो आपको बचाना चाहता है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आप तुरंत अटैक करते हैं सामने, या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, या आप अटैक करोगे या डिफेंस करोगे अपने आप को, पर किसी भी हालत में वो बचाने का प्रयत्न करते हैं। दिस इज समथिंग पॉजिटिव। बट यही सर्वाइवल हार्मोन ईगो के साथ भी जुड़ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ईगो को बचाने में लग जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और वो इम्बैलेंस पैदा करते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस। और उसका ऐसा कनेक्शन बना है, आप इमोशनली इम्बैलेंस होते हो तो वो सर्वाइवल हार्मोन्स और ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और अगर वो और ज़्यादा एक्टिव हुए तो आप ज़्यादा इम्बैलेंस होते हो। द होल सिस्टम क्रिएट्स पैनिक सिचुएशन फॉर यू। एज अ लीडर यू कैन नॉट ग्रो विद दिस पैटर्न, बिकॉज हियर यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर इमोशन, बट योर इमोशंस आर कंट्रोलिंग यू। एक होता है यू आर कंट्रोलिंग योर सराउंडिंग्स, यू आर सच अ पावरफुल एट दैट टाइम, यू आर कंट्रोलिंग योर सराउंडिंग्स। और दूसरा होता है योर सराउंडिंग्स, आपके आसपास के लोग और परिस्थिति आपको कंट्रोल करने लगे। एज अ लीडर आप आउटर सिचुएशन को कंट्रोल करने की जगह आप ट्रैप में फंस जाते हैं। इसको एक साइकोलॉजिकली समझने का प्रयत्न करें, होता क्या है, बाहर की परिस्थिति जब आपको कंट्रोल करने लगती है, बाहर के लोग या परिस्थिति जब आपको कंट्रोल करने लगती है, तो ये जो आपके सर्वाइवल हार्मोन्स हैं वो सडन अटैक करने लगते हैं, एंड दैट क्रिएट्स वेरी पेनफुल सिचुएशन एक्चुअली फॉर यू। आप ही मिस्टेक्स करने लगते हैं, रूल्स को ब्रेक करने लगते हैं, आपकी अवेयरनेस चली जाती है, आप सिस्टम को इग्नोर करने लगते हैं, आप लोगों को इग्नोर करने लगते हैं, आप एक्चुअली अवेयरनेस खो देते हैं और एक प्रॉपर एक्शन की जगह आप रिएक्ट करने लगते हैं। सो एज अ लीडर इस
आर्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। इन एनी सिचुएशन आपको पैनिक नहीं होना है, अपने उस हार्मोन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है जो ईगो की वजह से अटैक करता रहता है। दिस इज इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू एज अ लीडर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लर्न। यू नो नासा के साइंटिस्ट, उनके लिए दिस इज़ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। उनको 24 घंटे, 50 घंटे, 100 आवर्स ऐसी सिचुएशन में रखा जाता है जहाँ पे हर प्रकार की डिस्कम्फर्ट मिलती है उनको, मेंटल डिस्कम्फर्ट, इमोशनल डिस्कम्फर्ट, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, और एक लेवल पे वो प्लान्ड है पर अनप्लान्ड चीज़ें भी उनको दी जाती है। किसी भी सिचुएशन में वो कैसे अपने आप को बैलेंस रखे, हर प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट की जाती है पर फिर भी वो अपने आप को बैलेंस रखते हैं। आप थोड़ा सोचो, जब आप स्पेस में होते हो एवरीथिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, एक छोटा डिसीजन आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है लाइफ एंड डेथ का। सो इमोशंस को पहले तो स्थिर रखना बहुत आवश्यक होता है। एंड एक्चुअली देखो तो दैट इज अ जॉब ऑफ अ लीडर। लीडर लीड करता है तो उसको अपनी मनोस्थिति को कैसे रखना है वो उसको पहले सीखना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में अभी जो आपके सामने जो स्थिति है उसमें आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आपके हाथ में जो भी टास्क है उसके लिए क्या जरूरी है वो देते रहना पैनिक हुए बगैर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डिस्टर्बेंस आया या एंग्जाइटी अंदर आप फील कर रहे हैं तो उसमें इमोशनली इम्बैलेंस हुए बगैर नीड ऑफ द मोमेंट को पहचानना और अपनी पूरी एनर्जी को उसमें चैनलाइज करने की एबिलिटीज, दैट इज वेरी एसेंशियल लर्निंग टू बी एन इफेक्टिव लीडर। यू नो आर्ट ऑफ नॉट पैनिकिंग, या तो ये जो एंग्जाइटी पैटर्न बना है, स्ट्रेस का पैटर्न बना है, उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं। यू नो एक बात का अवेयरनेस रखो कि एवरी मोमेंट यू हैव टू चॉइसेस। जैसे ही आपको पता चले यार मैं बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, चिंतित हो रहा हूं, तो उस वक्त अपने आप को पूछो मैं कौन सी चीज चूज करूं। चिंता में रह के पैनिक को क्रिएट करना वो मेरी अच्छी चॉइस रहेगी, या अवेयरनेस को डेवलप करके थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, विजडम को डेवलप करके अवेयरनेस के साथ मैं सिचुएशन को देखूं। सुनने में मे बी इट सीम्स फनी कि यार उस वक्त तो पता ही नहीं होता है कौन सा चॉइस हम पसंद करें, वो कैसे पता चलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने आप को बार बार याद कराने से, सी यू हैव टू चॉइस, आप चिंता के शिकार बन जाओ या तो फिर उस वक्त थोड़ा सा रुक के चिंतन करो। आप डिसाइड करो कौन सा चॉइस आपको आगे ले जाएगा, विच वन इज बेटर फॉर यू। दूसरा ये देखो, इस स्थिति में चिंता करके पैनिक होने से और आर्ग्यूमेंट करके रिएक्ट करके कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है, आपको हो गया ऑफकोर्स नहीं निकलता, तो बस थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। डोंट जस्ट रिएक्ट, कम ऑन कूल रिलैक्स, यू नो रिस्पॉन्ड द सिचुएशन। ये कैसे हो सकता है, वो रिएक्ट करने की, पैनिक हो जाने की जो पैटर्न बनी है उसको समझ के तोड़ना पड़ेगा। एज अ लीडर यू डोंट हैव चॉइस, यू रियली हैव टू वर्क अपॉन दिस। अच्छा एक और सत्य की बात समझते हैं, लीडर्स माने कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, ही मैन है, कि उसको कुछ भी नहीं होता, उसको गुस्सा नहीं आता, वो परेशान नहीं होता, उसको चिंता नहीं होती। अरे सब कुछ हो सकता है, इमोशंस आर नेचुरल। यहाँ पे ये बात नहीं है कि इमोशंस होने ही नहीं चाहिए, यहाँ पे ये बात है कि आप इमोशंस के शिकार ना बन जाओ। यू नीड टू नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। अगर वो नहीं सीखा तो इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे, परिस्थिति आपको कंट्रोल करेगी और आप पैनिक हो जाओगे। कई बार लोग कहते हैं कि ये सब कुछ समझते हैं लेकिन फिर भी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। डजंट मैटर, एक सत्य को जान लो, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, ओके कोई बात नहीं, उसको भी देख लिया, समझ लिया, बट मैं खुद मेरे कंट्रोल में हूं। ये बार बार अपने आप को याद कराओ। हो सकता है मेरे इमोशंस समटाइम्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर एक आर्ट को डेवलप करो खुद को अपने आप को कंट्रोल में रखने की।
आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी कि आपके इमोशंस से भी ऊपर कुछ है और वो आप स्वयं है, एंड यू आर द सोर्स ऑफ पावर, यू आर द एनर्जी। ये बात के साथ कनेक्ट होने से आप इतने इफेक्टिव लीडर बन जाएंगे जो कोई भी स्थिति में कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। फ्रेंड्स, ये चीज को आप डेवलप करते जाए, जहां पे भी मेरी हेल्प की जरूरत है, मेरे सपोर्ट की जरूरत है, आई एम देयर विथ यू। यू कैन शेयर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन कमेंट बॉक्स। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम और लीडरशिप के मंत्र को ओपन अप करने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। जब आप कमेंट्स लिखते हैं तो हो सकता है बहुत सारे लोग उसमें से भी कुछ सीखते हैं। सो कीप राइटिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।